हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यवनिका नेगी। आप सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ। आज हम जाने वाले हैं रायपुर से भोपाल, तो चलो चलते हैं। जैसा कि मेरे थंबनेल से आपको पता चल गया है कि हम जाने वाले हैं भीमबेटिका, तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। हम आगे आपको भीमबेटिका का पूरा वीडियो और पूरा ब्लॉग यहाँ मैं ट्रेन का वेट कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रेन आ चुकी है। ये रायपुर से हमारी जो ट्रेन थी वो हमारी 7 बजे है और जो हमें मॉर्निंग में भोपाल पहुँचा देगी 8:30 बजे। तो हम अभी इसमें जाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ऊपर चढ़ चुकी हूँ और ये एसी है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा बस आगे में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हम सेटल डाउन हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं कि अभी विंटर के टाइम पे सब लोग अभी जस्ट यहाँ पर सब सेटल्ड है, अच्छे से हैं, मज़े कर रहे हैं और हम भी यहाँ पर आराम से हैं, बस ऑल ओके है। यहाँ से मैंने घर का कुछ खाने का लेके आई थी बना के, इसमें गोभी की सब्ज़ी और पूरी है। यहाँ मैं उठ चुकी हूँ, मॉर्निंग का टाइम है और आप देख सकते हैं कि सुबह सुबह यहाँ पर चाय वाय सब कुछ मिल रहा है, बट हमने कोई भूख नहीं है, हम सीधा डायरेक्ट घर में जाके बना के खाएंगे, तो हमारा यही प्लान है। तो और हम यहाँ से निकलते हैं और यहाँ मैं हूँ भोपाल के स्टेशन में, और मॉर्निंग के टाइम पे भोपाल के स्टेशन में भी बहुत क्राउड था और धूप कितनी अच्छी आ रही है, विंटर में धूप में जाना कितना अच्छा लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। एंड ये है फूड प्लाज़ा जो मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बाहर निकल चुकी हूँ, और ये है भोपाल का स्टेशन। यहाँ से बाहर से आप निकल सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑटो और ओला कैब सब कुछ यहाँ पर से मिल जाता है। तो बस ऑल ओके है एंड हम चलते हैं आगे। Keep right, then continue straight past RRL Embri. Continue straight past RRL Embri onto Hoshangabad Road. Continue on Hoshangabad Road for 7 kilometers.
राइट तो निकलना सर। यूट्यूब में डालूंगी हम। कहाँ से आए आप? हम लोग भोपाल से मीनार से आए। यहाँ तो फर्स्ट टाइम है मेरे लिए। पेंटिंग है जो अलग अलग समय में अलग अलग टाइम का है। अच्छा ये पेंटिंग दिखा देखने के लिए जब काम होते जाएगा देखने को। या जो भी देखने का है भीम बैट कॉमे ऐसे ही रॉक पेंटिंग चित्र बने हुए हैं। इसमें दो कलर है सफ़ेद और लाल। जो सफ़ेद वाला कलर ये पूरे पाषाण काल का है, 10,000 से 12,000 वर्ष पुराना ये पैलोलिथिक पीरियड का है। इसमें सभी जानवर हैं, हाथी, गेंडा, नीलगाय, बर्फ हिरण। उधर एक आदि मानव पत्थर बैठा, उसका हाथ में औजार से जानवर का शिकार करती हुआ था। दिखा आपको? नहीं दिखा? अच्छा, ये सामने। हाँ सामने ये लाल वाला है, ये 5,000 वर्ष करीब का नीचे वाला, इसमें कुछ ढाल तलवार से तीर कमान से लड़ाई करते बताए गए हैं। ये कुछ सफ़ेद कलर जो हिस्टोरिकल पीरियड पे जो खेती करते बताया गया है। अच्छा ऐसी यहाँ 130 गुफाओं में मेन रॉक शेल्टर है जिसको ये जू रॉक कह जाती है। क्या है? आदि मानव ऐसी गुफा में रहना, जानवर का शिकार करना, कच्चा मांस खाना, फिर याददाश्त के लिए ऐसे चित्र बनाना। ऐसी यहाँ 130 गुफाएं जो 4 किलोमीटर एरिया में पूरी ले ली। और ये सब झाड़ पेड़ों की छाल और जड़ी बूटों को पीस के ही आदि मानव के कलर बनाए गए। ऐसे यहाँ 4 कलर है सफेद, लाल, हरा, पीला। और ये गुफाएं देख रहे हैं आप, ये पानी के कटाव से कटी हुई करोड़ों साल के लिए पानी के अंदर डूबा हुआ था। ये गोंडवाना लैंड है जो आपस में टकरा है, जो ऊपर आ गया है। है इधर पेड़ है, इधर पूंछ है। ये पानी से कट कट के ऐसा शेप बन गया, ना किसी ने काटा है ना किसी ने बनाया है। अपने यहाँ से भोजपुर, मंडीदीप, अबिदुल्लागंज सभी दिखाई देते हैं, इसलिए इसको व्यू पॉइंट का नाम दिया गया है। देखने के ऐसा कोई शेर मुख आ रहा है, मुख के अंदर सबसे क्लियर पेंटिंग है जिसका यूपी टूरिज्म में इंडिया गाइड बुक में इसी का चित्र दिया गया पोस्ट कार्ड में टूरिज्म के। इसमें शेर, चीता, मोर वगैरह है जो घोड़े पे लड़ाई करते हुए बताया गया, आदि मानव का राजा बताया गया, जिसका घोड़ा फ्लू टाइप सजा है वो
आदि मानव का राजा बताया गया, जो कलर ऐसे लगते हैं जैसे गेरू से बनाए गए हैं। पन्हा कोई चढ़ के नहीं है, हाथ नहीं लगे, इसलिए इतना साफ क्लियर बचा हुआ है। पर ये आदि मानव का समय का नहीं है, 2500 से 3500 वर्ष पुराना, क्योंकि घोड़े पे बैठना, सवारी करना, हाथी पे बैठना, ये बात नहीं आया। घोड़ा बताते आर्यन लेके आए। ये गुफा कम से कम 100 आदमी का दायित्व बन चुका है। पहले आदमी मानो ऐसी ही गुफा में रहता था, जिस पर एक रात हो गया, एक उधर निकल गया। ये घोड़ा देखो, जब घोड़ा बनाना नहीं आता था तो डमरू बनाया, डमरू बना के उसको हाथ पैर मुंह बना दिया गया है। उस पर आदि मानव को जानवर का शिकार करते, कुछ लड़ाई करते बताए गए हैं। और ये औजार जो लकड़ी में पत्थर को फंसा के जानवर का शिकार करते थे, पर ये आदि मानव का समय का नहीं है, 2500 से 3500 वर्ष करीब का है। इसमें यहाँ से आता है एक और मिल बची। जो आपको स्टेट आर्कियोलॉजी म्यूजियम भोपाल में देखने को मिलेगी। अच्छा। और ये पूरा विंध्याचल पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत कहलाता विंध्याचल और अरावली का।
इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, देखो।